अरे गीता, तुम मेरे घर आई, यह तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मुझे इंटरनेट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को समझने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरूर चाचा, मैं यहाँ आपकी मदद और मार्गदर्शन के लिए आई हूँ। देखो गीता, जब मुझे ट्रेन से कहीं जाना होता है तो मुझे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं फसलों की मौजूदा कीमत पता करने के लिए अक्सर शहर को जाता रहता हूँ। इसके लिए मुझे शहर जाने के लिए रेल की लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद टिकट खरीदने के लिए लंबी कतार में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर फसलों की कीमत पता करने के लिए मुझे सरकारी कार्यालय में घंटों लंबा उबाऊ इंतजार करना पड़ता है। अरे चाचा, क्या आपकी समस्या यही है? यह जटिल नहीं है। आप वास्तव में ट्रेन टिकट बुक और साथ ही साथ में फसलों की कीमत पता लगाने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। क्या यह संभव है? कृपया मुझे दिखाओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने घर से ही फसलों की कीमत कैसे पता कर सकते हैं और रेलवे का टिकट कैसे बुक करा सकते हैं। गीता, ये तो बहुत अच्छा है। मैं घर पर बैठकर फसलों की कीमत पता करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से चाचा, यह एक जगह है जहां इंटरनेट भारत के किसानों को बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। सच में, मुझे समझाइए, मैं अपने लाभ के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? बेशक चाचा, पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का कृषि मंत्रालय किसानों तक पहुंचने के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। आप देखते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि और उससे जुड़े अन्य कामों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्णता के कारण कृषि और सहकारिता विभाग व भारत सरकार का कृषि मंत्रालय नियमित रूप से कृषि सांख्यिकी इकट्ठा करता है व उसका रखरखाव करता है, और पोर्टल www.agmarket.nic.in के माध्यम से हितधारकों के लिए सुलभ बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान थोक उत्पादन के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन की मदद से वे आसानी से विभिन्न उत्पादनों का दैनिक बाजार भाव प्राप्त कर सकते हैं और निश्चिंत होकर खरीद व बिक्री पर निर्णय ले सकते हैं। यह सूचनाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में प्राप्त की जा सकती हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है। कृपया मुझे दिखाइए कि मैं इस साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूल्य कैसे पता कर सकता हूँ। जरूर, बस इन चरणों का पालन करो। पहले एजी मार्केट के वेब पेज www.agmarknet.nic.in पर जाएं। यदि आप उत्तर प्रदेश में चावल की कीमत जांचना चाहते हैं तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्दिष्ट वस्तु का तिथिवार मूल्य डेट वाइज प्राइजेस फॉर स्पेसिफाइड कमोडिटी लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में वर्ष और महीने को चुनें जिसके लिए आप फसल की कीमत करना चाहते हैं। उसके बाद आपको राज्य के नाम का चयन करने का विकल्प मिलेगा। सूची में आप उस राज्य के नाम का चयन करें जिसकी जानकारी आपको चाहिए। यहाँ हम उत्तर प्रदेश का चयन करें। राज्य का चयन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होगा जिसमें आपको जीन्स कमोडिटी चयन करें। वस्तुओं की सूची में आप राइस चावल पर क्लिक करें। एक बार चावल का चयन कर लेने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आप चुने गए माह की विभिन्न तारीखों के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि बाजार में चावल की कीमत। क्या मैं भी इस साइट से बाजारों की सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ? जरूर चाचा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। यदि आप बाजार की सभी चीजों की कीमत जानना चाहते हैं तो आप बुलेटिन खंड के मार्केट वाइज कमोडिटी वाइज डेली रिपोर्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर आपको एक पेज जैसा दिखाया गया है पर ले जाया जाएगा। कैलेंडर से तारीख को चुनें। तारीख का चयन करने पर राज्यों की सूची नीचे दिखाई देगी। सूची से राज्य के नाम का चयन करें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुना गया है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर बाजारों की एक सूची दिखाई देगी। जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हो उस बॉक्स को चेक करें। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि आप एक से अधिक राज्यों का नाम चयन करना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन को दबाए रखते हुए राज्यों के नाम पर क्लिक करें। तब वेबसाइट आपके द्वारा चयनित बाजारों की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्शित करेगा। अब आप मुझे इस साइट का उपयोग करके पंजाब राज्य में मक्के की फसल का अद्यतन भाव पता करके दिखाएं। जरूर, मुझे कोशिश करने दें। स्टेप वन, www.eggmarknet.nic.in खोलें। स्टेप टू, वेबसाइट में डेट वाइज प्राइसेस फॉर स्पेसिफाइड कमोडिटी पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, वर्ष, महीना और राज्य का चयन करें। स्टेप फोर, कमोडिटी को मेज या मक्का के रूप में चुनें। स्टेप फाइव, सबमिट पर क्लिक करें और परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सीख लिया है कि क्रॉप मार्केट में अद्यावधिक भाव कैसे प्राप्त करें। आप वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध हैं जिनके जरिए आप वर्तमान समय के साथ साथ भूतकाल के मौसम के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं www.weatheronline.in और www.weatherforecastmap.com। भारत में भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी पर्यवेक्षणों और मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार है। संपूर्ण आंकड़े इसकी वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलभ हैं। मैं इस साइट से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आसानी से बस इन चरणों का अनुसरण करो। पहला, एड्रेस बार में वेबसाइट का नाम लिखें। स्क्रीन प्रकट होगी। यदि आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो पेज पर दाईं ओर दिख रहे हिंदी लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर पेज के ऊपर तथा बाईं ओर विभिन्न जानकारियाँ दी गई हैं, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के बारे में जानने के लिए इंडिया वेदर लिंक पर क्लिक करें और आप वेबसाइट www.indiaweather.gov.in पर पुनः निर्देशित कर दिए जाएंगे। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पर जाने के लिए इस पर टैप दें और फिर अपनी वरीयता के शहर पर क्लिक करें। आप संबंधित वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम अहमदाबाद राज्य का चयन करेंगे। वेबसाइट के पेज पर बाईं ओर विभिन्न सेवाएं जैसे मानसून, स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान, बंदरगाह और मछुआरों को चेतावनी, साप्ताहिक मौसम रिपोर्ट प्रदर्शित होती है और अधिक जानकारी के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें। राज्यव्यापी मौसम की जानकारी लेने के लिए स्टेट फोरकास्ट लिंक पर क्लिक करें और साप्ताहिक मौसम की रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए वीकली वेदर रिपोर्ट पर क्लिक करें। स्वयं प्रयास करें। अब आप मुझे इस वेबसाइट से चेन्नई के अगले मास के मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करके दिखाएं। हाँ, मुझे प्रयास करने दें। स्टेप वन, www.imd.gov.in खोलें। स्टेप टू, इंडिया वेदर पर क्लिक करें। स्टेप थ्री, डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर क्लिक करें और चेन्नई का चयन करें। स्टेप फोर, फोरकास्ट पर क्लिक करें और आवश्यक विकल्पों का चयन करें। इसी प्रकार होम पेज पर दर्शाए गए लिंकों पर क्लिक करके आप और जानकारी खोज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट से आप महासागर और मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सच में, कैसे? भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केंद्र की वेबसाइट www.incois.gov.in देखें। जानकारी प्राप्त करने के पद हैं: पहला, एड्रेस बार में www.incois.gov.in टाइप करें, यह स्क्रीन प्रकट होगी। मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज खंड के अंतर्गत पोटेंशियल फिशिंग जोन पर जाएं।
तटीय क्षेत्रों के पूर्वानुमान को खोजने के लिए एडवाइजरी सर्विसेज खंड के अंतर्गत ओशियन स्टेट फोरकास्ट पर जाएं। किसी विशेष तटीय क्षेत्र के आसपास समुद्र की जानकारी के लिए सी स्टेट फोरकास्ट्स फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स पर क्लिक करें। इसी ओ दीदी, मैं आपको यहाँ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। दीदी, क्या मैं इंटरनेट से शिक्षा संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता हूँ? बिल्कुल रोहन, बस इस साइट पर जाएं और इन पदों का अनुसरण करें। पहले वेबसाइट www.shiksha.com देखें। पेज में सबसे ऊपर विभिन्न टैब दिए गए हैं। संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके माध्यम से जाएं। होम टैब में सर्च बार दिया है। संस्थान का नाम या कोर्स का नाम जिसके बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं, एंटर करें। साथ ही देश अथवा विदेश की जानकारी खोजने के लिए विकल्प जैसे स्टडी इन इंडिया और स्टडी अब्रॉड दिए गए हैं। MBA टैब में विभिन्न MBA कोर्सों व संस्थानों के बारे में जानकारी दी गई है। आप विशिष्ट कोर्स प्रस्तावित करने वाले या विशिष्ट परीक्षा को स्वीकारने वाले संस्थानों की सूची देख सकते हैं। आफ्टर 12th टैब में 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात किए जा सकने वाले विभिन्न कोर्सों की जानकारी उपलब्ध है। करियर सेंट्रल टैब आपके द्वारा चुने जा सकने वाले विभिन्न क्षेत्रों व कोर्सों की जानकारी उपलब्ध कराता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स टैब का प्रयोग कर आप विभिन्न क्षेत्रों जैसे MBA, BE, BTech या LLB के श्रेष्ठ संस्थानों को खोज सकते हैं। होम पेज में तल पर खंडों जैसे करियर ऑप्शंस, टेस्ट प्रिपरेशन। अब आप मुझे शिक्षा वेबसाइट का प्रयोग कर बंगलोर में आर्किटेक्चर कोर्सों को ढूंढने का प्रयास करके दिखाएं। बिल्कुल, मुझे कोशिश करने दीजिए। स्टेप 1 http://www.shiksha.com/खोलें। स्टेप 2 ऑल कोर्सेज पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से साइंस एंड इंजीनियरिंग का चयन करें और फिर आर्किटेक्चर पर क्लिक करें। स्टेप 3 शहरों की सूची से बेंगलोर चुनें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। आपको आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें उपलब्ध हैं जो नौकरी व करियर संबंधी अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। उदाहरणार्थ ये वेबसाइटें हैं www.employmentnews.com, www.naukri.com, www.timesjob.com। वेबसाइटें उपलब्ध हैं जो केवल ग्रामीण बाजार की ही सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे www.ruralnaukri.com। न्यूज पोर्टल का प्रयोग कर नौकरी ढूंढना। अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में www.employmentnews.com टाइप करें। होम पेज पर महत्वपूर्ण सूचनाओं व लिंकों से युक्त बहुत सारे खंड प्रदर्शित होंगे। अपने से संबंधित किसी लिंक के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए उस पर क्लिक करें। होम पेज में दाहिने सबसे ऊपर किनारे पर एक सर्च बार दिया गया है जिसमें आप विषय टाइप कर वांछित जानकारी खोज सकते हैं। विभिन्न कॉलेजों व विश्वविद्यालयों द्वारा ली गई परीक्षा के परिणामों व प्रवेश की सारणी देखने के लिए एडमिशन एंड रिजल्ट पर जाएं। करियर संबंधी विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करियर लिंक्स पर जाएं, जहां शैक्षिक, विमानन, बैंकिंग, सिविल सेवा, रक्षा, इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार का ग्राहक बनने के लिए होम पेज के ऊपर दाहिने कोने पर दिए लिंक पर जाएं और लिस्ट में दिए गए आवश्यक पदों का पालन करें। आप एवर्जन टैब पर जाकर यूजर्स नाम व पासवर्ड का प्रयोग कर एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार का ई संस्करण प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट का प्रयोग करते हुए नवीनतम नौकरी ढूंढ कर दिखाएं। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। स्टेप 1 http://www.employmentnews.gov.in खोलें। स्टेप 2 नवीनतम सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी ढूंढने के लिए होम पेज को नीचे स्क्रॉल करें।
इसी प्रकार आप वेबसाइट में उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रयोग कर सकते हैं और वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि आप naukri.com साइट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पहले एड्रेस बार में www.naukri.com टाइप करें। आप वांछित नौकरी को पदनाम, कौशल, स्थान, नौकरी की श्रेणी और प्रत्याशित वेतन के आधार पर ढूंढ सकते हैं। आप नौकरी खोजने के लिए होम पेज में नीचे दर्शाई गई विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नीचे दिखाई गई हैं। यदि आप नियोक्ताओं को खोज रहे हैं तो बटन पर जाएं, अधिक परिष्कृत खोज के लिए फिल्टर का प्रयोग करें। यदि आप अपना बायोडाटा पोस्ट करना चाहते हैं तो होम पेज में पोस्ट रिज्यूमे टैब पर जाएं और वांछित सूचनाएं भरें और अपना रिज्यूम अपलोड करें। यदि आप लॉगिन अथवा पंजीकृत कराना चाहते हैं तो जॉब सीकर लॉगिन टैब पर जाएं और लॉगिन करें। वेबसाइट की अन्य विशेषताओं जैसे बायोडाटा लिखना, प्रोफाइल वृद्धि, रिक्रूटर रीच या करियर एडवाइस के लिए फास्ट फॉरवर्ड टैब पर जाएं। शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के लिए टैब पर जाएं। यह भाग भारत के साथ साथ विदेशों के विभिन्न कोर्सों व कॉलेजों की जानकारी रखता है। वेबसाइट www.ruralnaukri.com के द्वारा नौकरी ढूंढने के लिए स्टेप एक, वेबसाइट पर जाएं। नौकरी खुलने की सूचना ईमेल से प्राप्त करने के लिए टैब का प्रयोग करते हुए स्वयं को पंजीकृत कराएं। यदि आप स्वयं को पंजीकृत करा चुके हैं तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग कर वेबसाइट में बाईं ओर दिए हुए मेंबर लॉगिन सेक्शन में लॉगिन करें। जारी होने वाली नवीनतम नौकरियों का विवरण जानने के लिए वैकेंसीज टैब पर जाएं, जहां नौकरी पद, संस्था व स्थान अंकित होगा। करियर अथवा कृत्रिम साक्षात्कार, परामर्श और रिज्यूम के विज्ञापन संबंधी विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए वेबसाइट के दाईं ओर एम्प्लॉयज सर्विस सेक्शन पर जाएं। अब वेबसाइट www.naukri.com का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मुंबई में ढूंढें। स्टेप 1 http://www.naukri.com खोलें। स्टेप 2 कीवर्ड फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर दर्ज करें और लोकेशन फील्ड में मुंबई दर्ज करें। स्टेप 3 सर्च बटन पर क्लिक करें, आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंटरनेट के द्वारा कृषि अथवा सेवा योजन से संबंधित जानकारी खोजना सीख गए हैं। गीता, क्या मैं इंटरनेट के द्वारा अपना बिजली व टेलीफोन के बिल भी भर सकता हूँ? बिल्कुल, इस तरह के बिल आप इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे भर सकते हैं। उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस और फोन वे सेवाएं हैं जिनका उत्पादन व वितरण स्थापित करना बहुत ही खर्चीला होता है। आजकल दुनिया भर में बहुत सारी एजेंसियां पेपर रहित बिलिंग व इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इसने जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, क्योंकि कोई चाहे ऑफिस में हो या घर पर, बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के कुछ फायदे निम्न हैं: यात्रा व लंबी लाइनों के समय की बचत होती है, बिल खोने की कोई संभावना नहीं रहती, सही नियत तिथि तक भुगतान किया जा सकता है, पूरे 24 घंटे भुगतान किया जा सकता है, भुगतान करने से पूर्व बिल राशि जांचें, बिजली का भुगतान ऑनलाइन करना। ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियों के पास बिलों का भुगतान ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं और BSES राजधानी आपके घर में बिजली सप्लाई कर रही है, तो आप BSES राजधानी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार संबंधित बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। भारत की कुछ बड़ी बिजली वितरण कंपनियां निम्न हैं: BSES दिल्ली बिजली बिल भुगतान करने की ऑनलाइन प्रक्रिया, चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आप BSES दिल्ली में ऑनलाइन बिजली के बिल का भुगतान कैसे कर सकते हैं। पहले BSES दिल्ली की वेबसाइट www.besesdelhi.com पर जाएं। अब पेमेंट ऑप्शन पर जाएं और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का चयन करें।
निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्प पे नाउ पर क्लिक करें। अब दिए गए स्थान पर अपना CA नंबर भरें। आप अपना CA नंबर अपने बिजली के बिल की कागज प्रति के दाहिने हाथ के ऊपरी किनारे पर देख सकते हैं। फिर गो बटन पर क्लिक करें। अब भुगतान पृष्ठ प्रकट होगा। भुगतान के ढंग जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का चयन करें। जब आप चयन कर लें तो भुगतान प्रक्रिया का अनुसरण करें। नोट: यदि आप क्रेडिट कार्ड का चयन करते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का विवरण भरना होगा और बाकी की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। नेट बैंकिंग का चयन किए जाने की दशा में आपको उस बैंक का चयन करना होगा जिससे आप अपने बिल का भुगतान करना चाहते हैं। आपको आपकी नेट बैंकिंग साइट पर ले जाया जाएगा जहां पर आपको भुगतान करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर दिए जाने पर आपको लेन देन की संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। आपके दीदी, क्या हम मोबाइल फोन को भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं? हाँ जरूर। ऐसा करने के लिए अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए बस निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट पर जाएं। अब मोबाइल विकल्प पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा प्रदाता का चयन करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब दो विकल्पों में से अपने प्लान के प्रकार का चयन करें और रिचार्ज राशि को भरें और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी दिखाई देगी। इसकी पुष्टि करें और तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं और पंजीकरण नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं तो साइन इन बटन दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता नहीं हैं, लेकिन अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो रजिस्टर बटन को दबाएं। यदि आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो समीपवर्ती सीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब भुगतान विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। किसी एक विकल्प पर चयन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रकट होगा। उपयुक्त बैंक का चयन करें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब भुगतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टि करने के पश्चात प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पासवर्ड का प्रयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करें। रोहन, अब आप www.rechargeitnow.com वेबसाइट का प्रयोग कर आप स्वयं अपना मोबाइल रिचार्ज करें। बिल्कुल दीदी। स्टेप 1, रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट पर लॉगिन करें। स्टेप 2, सर्विस प्रोवाइडर का चयन करें और विवरण दर्ज करें। स्टेप 3, प्लान टाइप चुनें, रिचार्ज राशि दर्ज करें और कंटिन्यू बटन दबाएं। स्टेप 4, कंटिन्यू एज गेस्ट का चयन करें। स्टेप 5, अपना मोबाइल विवरण दर्ज करें और भुगतान विकल्प चुनें। स्टेप 6, उपयुक्त बैंकों का चयन करें और राशि का भुगतान करें। दीदी, हम पोस्ट पेड मोबाइल का बिल कैसे भर सकते हैं? हम पेटीएम वेबसाइट का प्रयोग कर पोस्ट पेड मोबाइल का बिल भर सकते हैं। बस इन पदों का अनुसरण करें। पहला, पेटीएम वेबसाइट पर जाएं। अब बिल पेमेंट्स टैब पर जाएं और अपने पोस्ट पेड मोबाइल का बिल भरने के लिए मोबाइल बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरें, अपना ऑपरेटर चुनें और बिल की राशि दर्ज करें। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके भुगतान का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित होगा। प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक करें। अब पेटीएम में साइन इन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो अपना अकाउंट बनाएं और फिर अपना ईमेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर और पेटीएम पासवर्ड का प्रयोग कर साइन इन करें। अब स्क्रीन पर बाईं ओर दिए गए विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए भुगतान करें। जब आप भुगतान पूर्ण कर लेंगे, गीता, क्या केबल टीवी के बिल का भुगतान भी कर सकते हैं? हाँ चाचा, आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट का प्रयोग कर डीटीएच को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं।
पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाएं। यहाँ ऑनलाइन रिचार्ज सेक्शन के तहत 3 विकल्प दिखेंगे। अपना DTH रिचार्ज करने के लिए DTH बटन पर क्लिक करें, फिर अपने सर्विस प्रदाता का नाम अंकित करें। मान लें कि हमने सर्विस प्रदाता के रूप में टाटा स्काई का चयन किया है। अब अपना उपभोक्ता ID नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब टाटा स्काई प्लान की सारणी दिखाई देगी। विशिष्ट पैक को सक्रिय करने के लिए रिचार्ज राशि दर्ज करें और फिर कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब DTH से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। इसकी पुष्टि करें और उपलब्ध 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं और पंजीकरण नहीं चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प को दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता हैं तो साइन इन बटन दबाएं। यदि आप पंजीकृत उपभोक्ता नहीं हैं लेकिन अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो रजिस्टर बटन को दबाएं। यदि आप कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबाते हैं तो समीपवर्ती स्क्रीन प्रकट होगी। अब अपनी जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। अब भुगतान के विकल्पों में से एक का चयन करें। किसी एक विकल्प पर चयन करने के बाद बैंकों की सूची वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रकट होगा। उपयुक्त बैंक का चयन करें और कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब भुगतान का सारांश प्रकट होगा। पुष्टि करने के पश्चात प्रोसीड बटन दबाएं। अब आपको अपने द्वारा चुने गए बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। अपना यूजर नाम व पासवर्ड का प्रयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करें। मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों का भुगतान करना और मोबाइल फोन व केबल TV नेटवर्क रिचार्ज करना आसान होगा। बेशक दीदी, यह बहुत उपयोगी है। हाँ गीता, ये जानकारी निश्चित रूप से हमारा काफी समय बचाएगी। यह बहुत अच्छा है। चलो अब दोहराने के लिए एक गतिविधि में भाग लेते हैं। गीता, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि ऑनलाइन ट्रेन व बस टिकट का आरक्षण कैसे करें? बिल्कुल चाचा, अब आपको ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकटों का आरक्षण कराया जा सकता है। पहले वेब ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में टाइप www.irctc.co.in टाइप करें। दिए स्थान पर अपना यूजर नाम व पासवर्ड लिखें और लॉगिन करें। नोट, यदि वर्तमान उपयोगकर्ता नहीं है तो आप लॉगिन में जाएं और अपना यूजर नाम व पासवर्ड बनाएं। एक बार जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो यह सीन दिखेगी। अपना टिकट बुक कराने के लिए प्लान माई ट्रेवल सेक्शन में फ्रॉम ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन का नाम और लिस्ट में आपको गंतव्य स्टेशन का नाम लिखना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप बेंगलोर से चेन्नई की यात्रा करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम लिस्ट में बेंगलोर व टू लिस्ट में चेन्नई टाइप करेंगे। उस वर्ग में आप स्टेशनों के कोड भी टाइप कर सकते हैं। अब डेट वर्ग में कैलेंडर से यात्रा की तिथि का चयन करें। अब टिकट टाइप पर जाएं और दो में से एक विकल्प को चुनें। पहला विकल्प आई टिकट का, दूसरा विकल्प ई टिकट का है। ई टिकट को ही आप इलेक्ट्रॉनिक टिकट की तरह प्रिंट प्राप्त कर यात्रा कर सकते हैं। आई टिकट भौतिक टिकट जो आपको ऑनलाइन बुकिंग के कुछ दिनों बाद प्राप्त होता है। अब कोटा क्षेत्र में विकल्पों में से एक विकल्प चुनें। यहाँ पर 3 विकल्प हैं, सामान्य, तत्काल व महिला। सामान्य में कोई भी यात्रा कर सकता है। तत्काल टिकट ट्रेन के प्रस्थान के एक दिन पूर्व बुक किया जा सकता है और लेडीज कोटा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब फाइंड ट्रेन्स बटन पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपकी आवश्यकताओं के आधार पर ट्रेनों की सूची प्रकट होगी। आप ट्रेन की जिस विशिष्ट श्रेणी में यात्रा करना चाहते हो उस पर क्लिक करें। यह आपको ट्रेन का विवरण और आगामी 6 दिनों तक टिकटों की उपलब्धता दिखाएगा। बुक विकल्प पर क्लिक करने पर यह पुनः आपको उस पेज पर निर्देशित कर देगा जहां आपको यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण भरना होगा। एक ई टिकट पर अधिकतम 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। बॉक्स में विवरण भरें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप आरक्षण का विवरण देख सकते हैं। प्रदर्शित विवरण को जांचें कि वह आपकी जरूरत के अनुसार है या नहीं। यह कोटे उपलब्धता भी दर्शाता है और आपके द्वारा अदा की जाने वाली रकम व सेवा शुल्क दर्शाता है।
अब भुगतान करने के लिए मेक पेमेंट विकल्प पर क्लिक करें। अब वेबसाइट में दिखाए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प से भुगतान करें। भुगतान के विशिष्ट ढंग व बैंक का चयन कर लेने पर यह स्वचालित रूप से उस बैंक के भुगतान पृष्ठ पर चला जाएगा। अब भुगतान सफल हो जाने पर यह स्वचालित रूप से IRCTC चाचा, अब आप IRCTC वेबसाइट का प्रयोग करके दिल्ली से पटना का शयन श्रेणी का टिकट आरक्षित करवाने का प्रयास करें। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। स्टेप वन, IRCTC वेबसाइट पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें। स्टेप टू, अपनी यात्रा के विवरण भरने के लिए फ्रॉम फील्ड में नई दिल्ली और टू फील्ड में पटना और यात्रा की तारीख चुनें। स्टेप थ्री, सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें और प्रदर्शित सूची से वांछित ट्रेनों की उपलब्धता की जांच करें। स्टेप फोर, बुक नाउ पर क्लिक करें और यात्री विवरण भरें। स्टेप फाइव, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। सिक्स, नेक्स्ट चुनें और भुगतान विकल्प प्रदर्शित हो जाएगा। स्टेप सेवन, अपना पसंदीदा भुगतान विकल्प चुनें, भुगतान करें। दीदी, क्या मैं मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट रेलवे टिकट बुक करा सकता हूँ? हाँ रोहन, तुम मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी रेलवे टिकट बुक करा सकते हो। IRCTC ऐप बिना किसी शुल्क के डाउनलोड किए जा सकते हैं और यह एंड्रॉइड के साथ साथ विंडोज फोनों के लिए भी उपलब्ध है। एंड्रॉइड फोन का प्रयोग कर टिकट बुक कराने के लिए निम्न पदों का अनुसरण करें। पहले प्ले स्टोर से IRCTC ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलें और यूजर नेम व पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करें। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यह भाग प्रकट होता है। टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट या इंक्वायरी विकल्प पर क्लिक करें। अब प्लान माय ट्रेवल विकल्प प्रकट होगा जहां आपको अपेक्षित जानकारी दर्ज करनी होगी। उदाहरण के स्रोत, गंतव्य, यात्रा तिथि, श्रेणी कोटा और टिकट का प्रकार। तब नीचे ट्रेनों की सूची विकल्प पर हिट करें। अब आपकी आवश्यकता अनुसार ट्रेनों की सूची प्रदर्शित होगी, उसमें किसी एक का चुनाव करें। अब पैसेंजर फॉर्म प्रकट होगा। यात्रा ब्यौरा दर्ज करने के लिए ऐड पैसेंजर पर क्लिक करें। यात्री की सूचना दर्ज करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करें और तब पैसेंजर सक्सेसफुली एडेड दिखाते हुए संदेश प्रकट होगा। यात्रा का विवरण व टिकट शुल्क जानने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब यात्रा का विवरण और टिकट शुल्क प्रदर्शित होगा। विवरण चेक करें, फिर उपलब्ध विकल्पों में किसी एक विकल्प से भुगतान करने के लिए मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। भुगतान के विशिष्ट ढंग व बैंक का चयन कर लेने पर यह स्वचालित रूप से उस बैंक के भुगतान पृष्ठ पर चला जाएगा। अब भुगतान सफल हो जाने पर यह स्वचालित रूप से IRCTC की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा। क्या तुम ऑनलाइन बस का टिकट भी बुक करा सकती हो गीता? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा आप बस का टिकट भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। कृपया दिखाइए कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ प्रसिद्ध ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानते हैं जो यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abhibus, seatselect.in, simplybus, igoeasy.com आदि, जिनके माध्यम से आप अपना बस टिकट बुक करा सकते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध पोर्टल है redbus.in, जिसके पास 65% से अधिक का मार्केट शेयर है। अब उन स्टेप्स को देखते हैं जिनके द्वारा redbus का प्रयोग करके टिकट बुक करा सकते हैं। पहले www.redbus.in पर लॉगिन करें, फिर फ्रॉम टू और डेट ऑफ जर्नी का चयन करें और सर्च बसेस विकल्प पर क्लिक करें। अब खोज के परिणाम का पृष्ठ बुकिंग के लिए उपलब्ध सीटों को दिखाएगा। यात्रा, बस का प्रकार, सुविधाओं, चढ़ने का समय और उतरने के स्थान के अनुसार अपने परिणामों को छांटें। सीट देखें, उस सीट पर क्लिक करें जिसे आप बुक करना चाहते हैं और चढ़ने व उतरने के स्थान का चयन करें और फिर कंटिन्यू बटन को दबाएं। अब व्यक्तिगत ब्यौरा भरें। यदि आपके पास ऑफर कोड
या कैश कूपन है तो उसका प्रयोग करें। अब वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन भुगतान के तरीकों में से किसी एक का चयन कर भुगतान करें। डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान किए जाने के लिए यह विंडो है। नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान किए जाने के लिए यह विंडो है। रेड बस वेबसाइट के जरिए दिल्ली से हरिद्वार का टिकट बुक कराने का प्रयास कीजिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ। स्टेप वन, रेड बस वेबसाइट पर जाएं। स्टेप टू, फ्रॉम फील्ड में दिल्ली और टू फील्ड में हरिद्वार भरें। स्टेप थ्री, यात्रा की तिथि का चयन करें। स्टेप फोर, सर्च बसेस पर क्लिक करें और विभिन्न बस विवरण प्रदर्शित हो जाएंगे। स्टेप फाइव, अपनी पसंदीदा बस पर व्यू सीट्स पर क्लिक करें। स्टेप सिक्स, सीट का चयन करें और यदि आवश्यक हो तो बोर्डिंग पॉइंट चुनें। स्टेप सेवन, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, एक फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेप एट, अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और भुगतान विकल्प चुनें। स्टेप नाइन, भुगतान करें, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। क्या मैं रेड बस ऐप के जरिए बस का टिकट मोबाइल फोन पर इंटरनेट का प्रयोग कर बुक करा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम्हें इस पर रेड बस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए निम्न पदों का अनुसरण करो। पहले प्ले स्टोर पर जाएं और रेड बस ऐप सर्च करें और इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करें। एक बार जब इंस्टॉल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ऐप को चालू करने के लिए खोलें और बुकिंग प्रारंभ करें। अब प्रारंभ और गंतव्य को फ्रॉम और टू फील्ड में दर्ज करें। जब आप प्रारंभ और गंतव्य को दर्ज कर लें, तब कैलेंडर से तिथि का चयन करें और फिर सर्च बसेस बटन पर क्लिक करें। अब अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित किसी एक विकल्प का चयन करें। अब सीट को चुनें और अपने बोर्डिंग की जानकारी दर्ज करें, फिर कंटिन्यू बुकिंग बटन पर क्लिक करें। अब अपना संपर्क ब्यौरा जैसे नाम, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर, आयु, लिंग और फिर कंटिन्यू बुकिंग बटन पर क्लिक करें। अब उपलब्ध विकल्पों में से एक का प्रयोग कर भुगतान करें। तो आप इस तरह ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। धन्यवाद दीदी, ये जानकारी हमारे लिए बहुत सहायक होगी। हाँ बिल्कुल, चलो अब इस गतिविधि को जांचें।